बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये अखरोट का हलवा बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 किलो दूध ले लिया है जिसे मैं बॉईल कर लेती हूँ। इसके अलावा ये मेरे पास 1 पाव अखरोट हैं जिन्हें मैं बारीक चॉप कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इन्हें बारीक पीस लिया है। जब दूध हमारा आधा बॉयल हो जाए, ये देखिए मेरे पास 2 किलो दूध था और ये 1 किलो रह गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस वो डाल देती हूँ। ये 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास लेमन जूस है, ये मैं डाल दूंगी। ऐसे बिल्कुल हल्का सा हलाऊंगी। ये देखें दूध फटना शुरू हो गया है। लेमन जूस डालने के बाद इसी तरह से मैं इसे पकाती जाऊंगी यहां तक कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये इसका खोया बन जाए। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसका खोया बनता जा रहा है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैं इसमें 200 ग्राम चीनी वो डाल रही हूँ। जब हम चीनी डाल देते हैं तो इसका भी पानी बनने लग जाता है, तो मैं उसे भी खुश्क कर लूंगी। इसके अलावा थोड़ा सा इलायची पाउडर वो मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो साबुत इलायची वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एक प्याली में मैं 2 टेबल स्पून ये मेरे पास आटा है ये ले लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे मिक्स कर लूँगी। आप मैदा भी ले सकते हैं और नॉर्मल चक्की का आटा वो भी ले सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये देखें ये खोया बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये जो मैंने आटा मिक्स करके रखा है ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये डालने के बाद मैं इसे बहुत अच्छा सा भून लूँगी यहाँ तक कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। जब आप इसे डालेंगे तो आँच बहुत हल्की रखिएगा क्योंकि ये फिर नीचे लगना शुरू हो जाएगा। और हल्की आँच पर ही मैंने इसे बहुत अच्छा सा भूनना है। ये देखिए ये मेरे पास अखरोट हैं जो मैंने बारीक पीस लिए थे, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अखरोट मैं लास्ट में शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए भूनूंगी। आप ये अखरोट का हलवा बनाइएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत टेस्टी हलवा ये बनता है। इस तरह से सारा भुनने के बाद मैं इसे एक ट्रे में निकाल लेती हूँ और ऊपर से इसे अखरोट के साथ गार्निश कर दूंगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप ये हलवा बनाइएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और ठंडा होने के बाद मैं इसे काट के सर्व करूंगी। क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं इस तरह की मेरी और भी बहुत सी वीडियो आगे आएंगी, आप ज़रूर देखिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।